नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ योग विश्वास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 245 और कंप्यूटर टिप्स के लेक्चर नंबर 44 में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। फ्रेंड्स, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, बहुत सारे आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। वो सारे आइकॉन माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और ये सारी प्रोडक्ट को चलाने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए आपको। तो चलो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है विंडोज 10 और आपके विंडोज 10 में ये माइक्रोसॉफ्ट एज इन बिल्ट ब्राउजर रहता है। फ्रेंड्स, आपके पास अगर गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, कोई भी हो, वो अभी चला सकते हो, लेकिन मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में ही अभी दिखा देता हूँ। अगर पहले एक बात बता दूं, इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकॉन अगर आपके पीसी में नहीं है तो प्लीज आपके पीसी को आप अपडेट कर लेना। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की ऐप में जाना है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट टीम में लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लिखो फिर तो भी चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लिख देंगे फिर भी चलेगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लिखा है और वेबसाइट रहती है signup.live.com, वहां पर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से सर्च होगा। फ्रेंड्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए आपके सामने इस तरह से अकाउंट क्रिएट अकाउंट का आएगा तो वहां पर आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहला है यूज अ फोन नंबर इंस्टेड, यानी के आप फोन नंबर डाल के भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस, आप नया ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर ला सकते हो। और यहाँ पर ब्लैंक है, वहां पर आपको एक ईमेल आईडी लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ computerdigiclass@gmail.com। चलो, आपको लगता होगा ये तो जीमेल का अकाउंट है और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट को एक ईमेल एड्रेस चाहिए। आप कौन सा ईमेल एड्रेस लिख रहे हो उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो आप आपका जीमेल अकाउंट डाल के भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं डालना है, जीमेल भी नहीं लिखना है, तो आप फोन नंबर लिखकर भी आप यहां पर कर सकते हो। और यूज योर ईमेल इंस्टेड, यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो मैंने जैसे बताया था वैसा है। अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है और आप फोन नंबर से क्रिएट करना नहीं चाहते हो तो गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे वहां पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर डोमेन नेम के लिए दो ऑप्शन रहेंगे। ये हमारा डोमेन नेम रहता है outlook.com या तो आप hotmail.com, ये दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता है outlook.com सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे न्यू ईमेल के लिए यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ computer डिजी क्लास लिखा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके सामने मैसेज आएगा, रेड इंडिकेट होगा कि ये किसी और ने यूज कर लिया, इसलिए आप नहीं कर सकते। अगर नहीं किया है तो आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया। चलो, ये हो गया है, मैंने पासवर्ड लिख लिया, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे नेक्स्ट करूंगा मुझे मेरा नाम नेम पूछा जाएगा, कंप्यूटर डिजी क्लास, यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका कंट्री पूछा जाएगा, इंडियन, अभी इंडियन है तो वे देखेंगे। मुझे बर्थ डेट पूछी जाएगी तो मेरी बर्थ डेट है 1 जनवरी 1990, ठीक है? तो ये मेरी बर्थ डेट है, तो ये हो गई। यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हम जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट होने से पहले ये कैप्चा आएगा। ये कैप्चा हमें लिखना है, जैसे हम यहाँ पर कैप्चा लिखते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। चलो फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट हो चुका है computerdigiclass@outlook.com। और यहाँ से आप एड अ प्रोफाइल पिक्चर, आप यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकते हो। यहाँ पर मोर एक्शन है,
यहाँ से मोर एक्शन भी चेक कर सकते हो और पेमेंट और बिलिंग की सेटअप वे भी यहाँ से सेट कर सकते हो और आपके बहुत सारे डिवाइस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर है 365 ऑफिस का ट्रायल बेस यहाँ से ऑन कर सकते हो, मेंबर को ऐड कर सकते हो, आपका मोबाइल हो तो आपको मोबाइल भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हो और बहुत कुछ सारे सिक्योरिटी भी यहाँ से अपडेट करने हैं और प्राइवेसी भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो चुका है और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट के सारी प्रोडक्ट भी यहाँ से ओपन कर सकते हो। ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर दिया तो आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर ओपन होगा जो मेरे अकाउंट में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ से ओपन कर सकते हो। चलो फ्रेंड, मैं यहाँ से अभी बंद करता हूँ। ठीक है, चलो मेरा अकाउंट क्रिएट तो हो चुका है लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एज में इससे आपको सिंक्रोनाइज भी करना है और आप कर सकते हो। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर रहा हूँ और आपने देखा होगा गूगल क्रोम में आप अकाउंट एड करते हो तो आपका अकाउंट सिंक्रोनाइज होता है, वैसे ही आप यहाँ पर भी आपका अकाउंट सिंक्रोनाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हो प्रोफाइल वन दिखाई दे रहा है, वहां पर अगर हम क्लिक करेंगे पहले सबसे पहले पूछा जाएगा साइन इन कीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और साइन इन का ऑप्शन मेरे सामने आएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से हमें करना है, वर्क और स्कूल अकाउंट से नहीं करना है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमें ईमेल, फोन या तो स्काइपी की आईडी डालनी है। अगर ईमेल से बनाया, फोन से बना है तो अभी आपने देखा था हमने ईमेल बनाया था तो हम यहाँ पर ईमेल लिख देंगे। चलो, हमने इस तरह से यहाँ पर ईमेल लिख दिया है। यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें पासवर्ड पूछा जाएगा तो हम पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, चलो हमने ये पासवर्ड लिख लिया जो पासवर्ड हमने लिखा था और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो सारी जगह अब एक्सेस कर पाओगे। एनीवेयर, जैसे आप गूगल का जीमेल एड्रेस डालकर गूगल अकाउंट हर जगह एक्सेस कर पाते हो, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी आप हर जगह एक्सेस कर पाओगे। आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, जहां जहां आपने ये अकाउंट सिंक्रोनाइज किया होगा हर जगह आप डेटा गेट कर पाओगे। फ्रेंड्स, आप देखो इस तरह से अब साइन इन हो गए हो आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने कोई प्रोफाइल पिक्चर सेट नहीं की थी इसलिए यहाँ पर इस तरह से नहीं है। देखो नॉट सिंकिंग, यहाँ पर अभी सिंकिंग नहीं हो रहा है तो हमें इसे सबसे पहले सिंकिंग करना होगा। तो मैनेज प्रोफाइल सेटिंग में चले जाना है और वहां से हमें इसे सिंकिंग करना है। तो फ्रेंड्स देख रहे हो, मैनेज सेटिंग में जाने पर हमारे सामने इस तरह से अकाउंट रहता है और यहाँ पर इस तरह से हम अलो कर देंगे, सारी सेटिंग यहाँ हो जाएगी। यहाँ पर सिंक का ऑप्शन है, देखो जैसे हम सिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टर्न ऑन सिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम टर्न ऑन सिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे टर्न ऑन सिंक करेंगे आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको सिंक्रोनाइज करनी है, आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपको देख रहे हो सिंकिंग इज ऑन, सिंकिंग ऑन हो चुका है। अब नए टैब ओपन करने पर आपके सामने इस तरह से देखो ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यहाँ आ चुका है और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। देखो ये हमारा सिंक्रोनाइज ऑन है और प्रोफाइल पिक्चर अभी सेट नहीं किया इसलिए आपको प्रोफाइल पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सिंक्रोनाइज ऑन है और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की सारी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूले। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश श्वास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।